नागपुर फोरलेन पर जिले के साईखेड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले पंखा एवं ससुंदरा गांव के पास गुरुवार दोपहर में कंटेनर ने बाइक व कार को टक्कर मार दी। इससे कार में सवार पुणे निवासी पति पत्नी व बैतूल के मालपुरा निवासी बाइक चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक को गंभीर रूप से घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। साईखेड़ा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 3 बजे कंटेनर क्रमांक MH14HU8166 गलत लेन से मुलताई से बैतूल की ओर तेज रफ्तार से आ रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक को उसने टक्कर मार दी। इसके बाद मुलताई की ओर जा रही कार क्रमांक MP04CT2623 को टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसकी छत टूटकर बिखर गई और आगे का हिस्सा भी धस गया। कार को टक्कर मारने के बाद कंटेनर हाईवे किनारे पेड़ से जा टकराया। कार के क्षतिग्रस्त हो जाने से उसमें सवार पुणे निवासी गोपाल अनमोलवार, उनकी पत्नी राजलक्ष्मी अनमोलवार सहित भोपाल निवासी चालक देवेंद्र परमार पूरी तरह से घायल होकर फंस गए। बाइक सवार मीरापुर निवासी भीमराव राजूरकर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब तक कार के क्षतिग्रस्त हिस्सों को कटर से काटा, तब तक उसमें फंसे पुणे निवासी पति पत्नी की मौत हो चुकी थी। कार चालक भोपाल निवासी देवेंद्र परमार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज 1:30 बजे करीब थाना आमला के पंखा ग्राम के पास एक कंटेनर ने एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार और एक बाइक में टक्कर मार दिया, जिस पर मौके पर 3 लोगों की डेथ हो गई और एक घायल है जिसको जिला अस्पताल बैतूल रेफर किया गया है। उन्हीं के PM के लिए जिला अस्पताल आए। क्या पता चला कहाँ के रहने वाले? ये कार में सवार लोग पुणे के रहने वाले हैं, पति पत्नी, जो नागपुर जा रहे थे और ज़्यादा जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसमें जांच के लिए लोकल बंदा, उसकी मौत हुई है कोई बाइक? हाँ, बाइक सवार जो लोकल था साईखेड़ा क्षेत्र के हैं, उनके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। उनके परिजन आ रहे हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कौन थे।